अज मन उदास है, देश के जो हालात बने हुए ने, दिल ही नहीं करता कि मैं कोई खबर पढ़ा, कोई न्यूज़ दसा, क्योंकि सरकार दी इन्नी गलत नीतियां जिदे नाल साडा देश, साडे लोग दिनों दिन अपनी जान तो हाथों ही बैठे ने, ते जां फिर हस्पतालां दे बाहर तड़फ तड़फ के मर रहे ने, सिर्फ एक ऑक्सीजन की घाट करके, या फिर करोना की इस महामारी नू कोई भी नाम दे लो, पर अंत विच सरकार दीयां नीतियां ही इस ते भारी पैंदियां ने। मैं अज कोई विहारी स्वागत नहीं करांगा, क्योंकि विहारी स्वागत उत्थे कीता जांदा जिथे घर खुशियां खेड़े होन, पर इत्थे तां साडा घर उजड़दा दिख रहा है। पंजाबन टीवी ते मैं सिमरन अज सिर्फ अपनी दिल दीयां गल्लां करांगा। मैं कोई खबरां, कोई न्यूज़ या कोई भी नवी अपडेट नहीं देंगा, मैं अपने घर का हाल दसांगा। जी हाँ, ये वो भारत है जिहड़ा पिछले कुछ दिनों दे विच या पिछले कुछ सालों तो विश्व गुरु बनना जा रहा है। वही विश्व गुरु जिदे विच उन्हां दी प्रजा दिनों दिन ऑक्सीजन की घाट करके, या फिर हस्पतालों च बैड ना होने करके, या वेंटिलेशन ना होने करके, या फिर वैक्सीन ना होने करके सेवियां दे विच लाशां दे ढेर वधी जा रहे हैं। एक केड़ा विश्व गुरु है, एक केड़ा डिजिटल इंडिया है। सानू बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, सानू तो हॉस्पिटल तो सेवियां तक जाने वास्ते एंबूलेंस ही दे दो, इन्ना ही बड़ा है। सानू तो मरीज़ नू बीमार होने तो लैके हॉस्पिटल तक घट खर्चे वाली एंबूलेंस दे दो, इन्ना ही बड़ा है। अजकल तुसी 10 किलोमीटर भी जाना होए तो देश के कुछ इलाके तो यहो जे ने जिथे 40-40 हज़ार तो लैके 1.25-1.25 लाख रुपया एंबूलेंस वाले चार्ज कर रहे हैं, तो उस देश दे विच तुसी अपने आप नू आत्मनिर्भर किवें कह सकते हो। अज गल करांगे इन्ना ही प्रबंधा दे उपर। प्रधानमंत्री ने ममता बैनर्जी नू फोन करके एक गल कही है कि तुहाडे राज दे विच दंगे वध गए ने जिहदे नाल करोना फैल रहा है। इत्थे ही काउंटर करदे ममता बैनर्जी ने उन्हां नू कहा कि ये दंगे तो 3 महीने पहला फैले ने, तो उदो तो मेरा राज नहीं सी, उदो तो तुहाडे इलैक्शन कमीशन का राज सी, तो उस दे विच मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो सगों ये दंगे रोक के करोना महामारी के इस भखदे मुद्दे नू खत्म करन दे विच अपनी सरकार दे नाल कोशिशां कर रही हाँ। इत्थों तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैनू भी प्रधानमंत्री का फोन आया, पर जे वह अपने मन की बात तो ज़्यादा कोई कम की बात यानी कि कम की गल करते तो फिर कुछ ज़्यादा फायदा होंदा जनता का भी सरकार का भी। जिमें कि असीं सारे जानते हैं कि भारत इस टाइम करोना महामारी नाल लड़ रहा है, तो दिनों दिन ये मौतों का अंकड़ा वधदा जा रहा है। पिछले साल तो आपां हंकारी होकर बैठे सां कि नहीं असी बाकी देशों नालों बहुत सही हाँ, तो उन्होंने हंकारों के असी कोई प्रबंध भी नहीं किए, तो उ चीज़ का खुमियाजा सानू अज भुगतना पै रहा, चाहे वह केंद्र सरकार की अपनी सरकार हो, चाहे वह किसी होर राज की सरकार हो, फायदा किसी नूं भी नहीं पहुँच रहा। इतों तक कि आम जनता तो बहुत दूर की गल, इतों तक कि आधार पूनावाला जिहड़ा कि भारत की सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुखी है, तो सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो है जिहड़ी भारत नूं सब तो वध ते सब तो वड्डी करोना वैक्सीन मुहैया करवाती है। उत्थों दे मुखी ने रातों रात देश छड्डता ते उह यूके चला गया, सिर्फ इस करके कि उहदा कहना है कि इत्थों दे सूबा सरकारां दे मुख्यमंत्री ते कुछ ताकतवर लीडर उत्ते बहुत दबाव बना रहे हैं, जिस करके उहनूं देश छड्डना पै रहा है। तो जे एडे वड्डे इंस्टीट्यूट का मुखी ये गल कह रहा है तो उत्थे आम जनता का या गरीब तबके की जनता का जिन्हां कोल प्राइवेट हॉस्पिटलों के इलाज कराने जोगे पैसे भी नहीं है, वो कित्थे जाएंगे। देश के कई हिस्सों में तो फुटपाथ पर जनता रुली फिरती है, उत्थे ही उन्होंने ग्लूकोज दी ड्रिपां लगी तो उत्थे ही लेट के उन्होंने इलाज चल रहा। तो वधी गल जो हिंदू मुस्लिम का जिहड़ी लड़ाई है वो नाल दे नाल चल रही है। एक रिपोर्ट तो पता लगा है कि एक जगह एक मुसलमान डॉक्टर सी 24 घंटे दे विच 18-19 घंटे काम करता सी,
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ 150 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਖੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਰਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਿਮਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੂਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ, ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ BJP ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਵਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਹਮ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ ਔਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਓਪਨਲੀ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਂ ਔਰ ਘਰੋਂ ਕੋ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ BBC ਵਰਲਡ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਟਾਈਮ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਔਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਝੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੇ ਕਿਆ ਕੌਨਸਪਿਰੇਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਯਾ ਹਿੰਦੂ ਖੂਨ ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੌਨਸਪਿਰੇਸੀ ਕਾ ਹਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਚੀਜ਼ੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿਡ ਹੂੰ। ਜੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਖੂਨ ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ ਹੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਓਂ ਸੇ ਇਤਨਾ?
देश थ्रू ही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और खड़ा से कड़ा कदम लीजिए। आज खबर आ रही है कि इस अदाकार कंगना रनौत ने भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। शायद वो अज ही उस मरीजों का दर्द समझ आए जो सरकारां दे गलत नीतियां करके, गलत रवैये करके हस्पतालों के बाहर ही बैठ बैठ के दम तोड़ते पे ने, जिन्होंने अपने देश के विच ऑक्सीजन नहीं मिल रही। एहो जे विकास में असीं की करांगे? एक खुलासा होया बहुत वड्डा, तुहानूं उहदे बारे भी दसदे आं। रातों रात होर मुल्कां ने, तकरीबन 40 मुल्कां ने सानूं इत्थे, किसी ने ऑक्सीमीटर, किसी ने वेंटीलेटर, किसी ने दवाइयाँ, किसी ने ऑक्सीजन रातों रात सानू सप्लाई की। असी उन्होंने सैल्यूट करते, उन्हों का बहुत शुक्रगुजार करते कि भारत के लोगों लई उन्होंने अपना दिल वड्डा किया, तो खुल के मदद की। कुछ क्रिकेटर ने, कुछ कंपनिया ने, असी उन्हों का भी सन्मान करते हैं, तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। पर यह जो मदद है वो साढ़े तक पहुँची, असं मानते हैं, पर की वो उस बंदे तक पहुंची जिदे लिए वो मदद भेजी गई सी? किसे एक देश ने दोपहर नूं यह ऐलान किया कि असी सरकार नूं, भारत सरकार नूं इन्नी मदद भेजांगे, इन्ने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजांगे, इन्ने वेंटीलेटर भेजांगे, इन्नी दवाई भेजांगे? रातों रात उस देश ने कंसाइनमेंट भारत पहुँचाया। 26 अप्रैल नूं जां 25 अप्रैल नूं शायद उस कंसाइनमेंट नूं भारत दे विच एयरपोर्ट के कामियां द्वारा अनलोड किया गया तो साइड पर रख दिता गया। अगला दिन बीतिया, कोई हाथ नहीं लगा। अगला दिन आया, जरूरी सी कि आप बंगाल दी इलैक्शन वाल ध्यान देिए, ये जरूरी नहीं सी कि आप अपने मरदे बंदे बचा लिए, इलैक्शन ज़्यादा जरूरी सी। चलो आप इलैक्शन वाल हो गए, सारे सरकार इलैक्शन वाल हो गई, वोटों वाल हो गई, चोणों वाल हो गई, हो गई इलैक्शन। अगले दिन फिर वोटों वाल हो गई, करते कराते करते कराते 30 अप्रैल आ गई। जेड़ा माल रातों रात 26 तरीक नूं साडे वास्ते भेजा गया, उन्हां मरीजों वास्ते भेजा गया, 4 दिन 5 दिन सिर्फ एयरपोर्ट ते ही रुलदा पिया, हजे तक पहुँचा नहीं। उस तो बाद सरकार नूं याद आया कि जेड़ा कंसाइनमेंट भेजा है उहदी भी अगे किते वरतों करिए, किते उहनूं भेजिए। हुण इहदे विच सेहत मंत्रालय आ के कहिंदा है कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वंड करना साडा काम है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के रैड क्रॉस सोसाइटी नूं भेजी। रैड क्रॉस सोसाइटी का कहना है कि यह साडा काम नहीं है, साडा काम है सिर्फ कस्टम क्लीयर कराना, जबकि मोदी सरकार ने यह पहले ही कह दिता सी कि जिहड़ा भी कंसाइनमेंट सानूं मदद दे रूप में साडे कोल आएगा उहदे ते कोई कस्टम या कोई इदां दा शर्त नहीं होगी। पर चलो कहन दी गल्लां कुछ होर ने, रैड क्रॉस सोसाइटी ने कस्टम क्लीयर करा के फिर वापस भेज दिते कि हो गया। फिर आंदा है विदेश मंत्रालय, उसका कहना है कि कंसाइनमेंट बाहरों आया है, यह साडा मामला है। ये तीनों अदारे, चाहे वह सेहत मंत्रालय है, चाहे विदेश मंत्रालय है, तो चाहे वह रैड क्रॉस है, आम लोगों जोड़ा उत्थे मरदा पै उन्हें इस ना कोई लेना देना नहीं। उसनों यह है कि बस मेरे साह चलते रहन, मेरी जिंदगी चलती रहे, पर वो कंसाइनमेंट हजे भी लोगों तक नहीं पहुँच पाया। सरकारां मदद लै रही ने, सरकारां मदद भेज रही ने, पर कित्थे जा रही है वो? खबर आ रही हैं कि किसी ने किड्डी वड्डी खेप अपने किसी जगह ते अपने गोदामां च लकोई हुई है। कितों खबर आ रही है कि एक वड्डी नहर दे विच्चों करोना वैक्सीन दीआं दवाइयां मिलीआं ने? क्यों? एक दवाई है करोना वैक्सीन दी, इंजैक्शन है, वो इन्नी कालाबाजारी हो रही है उहदी कि आम बंदे तक वह पहुँच ही नहीं पा रहा, या फिर वह इन्ना नकली बन के आ रहा है
कि सरकारां दा कोई ध्यान ही नहीं है। बीजेपी दे एक मिनिस्टर दा कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगाओ, लगने भी चाहिए ने, पर उहदे उपर फौज या पैरामिलिट्री फौज तैनात की जाए ताकि उहदी सुरक्षा की जाए। दसो ऑक्सीजन नैचुरल चीज़ है, उन्हों बचाने लिए भी सानू इस देश दे विच पैरामिलिट्री फौज लगानी पै रही है। कहो जे हालात बन गए ने, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, सड़कों पर ही लाशा साड़िया जा रही ने, सेवा दे विच जगह नहीं है। जिथे पहला लाइना लगदियां सी डीमोनीटाइजेशन दियां, नोटबंदी टाइम, GST टाइम या उस तो बाद जो भी अगे उन्होंने प्रबंध हुए ने उदों, तो हुण लाइना लगदियां सेवियां दियां, लाशां दे ढेर लगे हुए ने, एक एक एंबूलेंस दे विच 40-40 लाशा पा के असी ढो रहे हाँ, तो कई तो वह भी नहीं नसीब हो रहा। कई अपने साइकलों पर लाशा लैके जा रहे हैं, कई रेहड़िया लाशा लैके जा रहे हैं। आम जनता का इत्थे की कसूर है? गल कर लैने पंजाब की, पंजाब दे विच की प्रबंध ने लॉकडाउन लैके, जिथे आम जनता ना साड़ी टीम या साडे पत्रकार गल करते हैं, वह कहते जी साढ़े तक कुछ नहीं पहुँचता, ना सरकारां दी दवाई, ना सरकारां दी ऑक्सीजन, ना सरकारां दी वैक्सीनेशन, तो ना ही कितने बैड मिलता है। तो सरकार की मशहूरी के वड्डा वड्डा लिखा है कि असी इन्ने हज़ार करोड़ इन्ने लख करोड़ करोना मरीजों वास्ते रखे हुए ने या उन्होंने प्रबंधा ते खर्च किए गए हैं, करोना मरीजों नूं राशन दिता जा रहा है। ये सरकारां दा कहना है, हजे किसी नूं मिलिया कि नहीं मिलिया सानू नहीं पता। फिर गल हुंदी है जी पंजाब दी, जिथे बेअदबी नूं लैके अजकल एडा मुद्दा पख्या होया है कि जिहदे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते दूसरे पासे ने साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। एक मीटिंग दे दौरान सुखजिंदर रंधावा जो कैबिनेट मंत्री ने ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने इस गलों अस्तीफा दे दिता कि ये जो सीट कैंसल हुई है या फिर जो ये बेनतीजा रहा है या मुद्दे का कोई नतीजा ही नहीं रहा, किसी नूं न्याय नहीं मिलिया, तो असी इस्तीफा दें। उन्होंने कहना है कि जदों कोटकपुरा दे विच ये धरना लगा सी ते असी छुड़ान गए सी, असी वह धरना खत्म कराया सी, ये वादा करके कि साड़ी सरकार आने ते असी इनू जरूर न्याय देवांगे। कैप्टन सरकार ने भी अपने चोन प्रचार दौरान यह वादा किया सी कि आने वाले समय दे विच मैं पहल दे आधार ते इहदा न्याय करूँगा, पर अज 4.5 साल बीत जाने तो बाद अज भी उत्थे ही मुद्दा खड़ा है जिथे पहला सी। लोगों का सरकारां प्रति ये रवैया तोड़ दिंदा है। वो जेड़े उस गोलीकांड दे विच शहीद होए उन्हां दे परिवारां नूं न्याय मिलेगा कि नहीं, ये तो वह भी आस छड़ चुके ने। ते उत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार दे खिलाफ ही बागी सुर अपना रहा है। इस दे नाल नाल होर भी कई MLA ने, होर भी कई मंत्री ने जेड़े अपनी सरकार दे खिलाफ अजकल बयान देने शुरू कर चुके ने। आने वाले समय दे विच ये मोड़ किधर नूं कट्टेगा सानू नहीं पता। आम लोगों नूं इस नाल कोई लेना नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू पटियाले तो चोन जितदा है, हारदा है, जमाना जब्त हुंदी है, कैप्टन अमरिंदर जितदा है, किसी नूं कोई लेना देना नहीं। उन्हां नूं बस ये है कि जो साडे पंजाब दे नाल, साडे गुरु साहिबाना दे नाल बेअदबी हुई है, सानू उसका इंसाफ चाहिए है। चाहे कोई भी दवे, इंसाफ जरूरी है। लैने एक छोटा जा ब्रेक, ब्रेक तो बाद गल करांगे कि भारत हुण किस दिशा दे वल वधदा जा रहा है, किन्नी बर्बादी उस दिशा दे विच, उस रस्ते दे विच लिखी हुई है, या वह इस प्रति की कर रहे हैं। ब्रेक तो बाद गल करांगे, बने रहो साडे नाल। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜੂਲਰ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜੂਲਰ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ, कीमती पला नू खूबसूरत बनाना, ता फिर जल्दी पहुंचो खादिम ज्वेलर, जिथे तुहानू नवे नवे डिजाइन दे नाल नाल मिलेंगे प्योर ते खूबसूरत गहने। शुद्धता ते परोसे दा नाए सिर्फ ते सिर्फ खादिम ज्वेलर।
गल मैंस रिंदी होवे या फिर होवे कन्ना दे चुपकिया दी या फिर होवे गल दी रानी हार दी गल होवे हथा दे खूबसूरत चूड़िया दी तुहाड़िया खुशिया दे विच खरे सोनी वांग चमकदाए खादिम ज्यूलर हर प्रकार दे गहनिया दी एक वड्डी रेंज ते अनबिलीवेबल प्राइस ता फिर है ना खुशखबरी रिश्तियां दिया दंदा नु सुनहरी अते प्यार भरिया गंढा देन दे लई खादिम ज्यूलर आप दी सेवा दे विच हाजिर है रिश्तियां दी बुकल नु होर मजबूत करन दे लई हमेशा तैयार तुहाडा अपना खादिम ज्यूलर दी वन स्वनता तुहाडी रिश्तियां नु प्यार भरे रंग दे विच हमेशा तुहाडे नाल वैरायटी अति क्वालिटी दे नाल कोई समझौता नहीं हमेशा अपने प्यारियां दी सेवा दे विच हासर अपने चावा उमंगा ते खुशियां नु पूरा करन दे लई पहुंचो अपने सब तो पुराने ते सब तो पॉपुलर ज्यूलर जिसका नाम है खादिम ज्यूलर तुहाडे अपने शहर सैक्रामेंटो 7386 टार्टन बुलेवर्ड स्वीटल सैक्रामेंटो 95823 फोन नंबर 9523330 परकला प्रभाकर नाम तुसी शायद ही सुनिया होवे निर्मला सीतारमन जो भारत के वित्त मंत्री ने ये उन्होंने पति ने बीते दिन किसी अखबार के उन्होंने एक आर्टिकल छपया सी जिदे विच उन्होंने केंद्र सरकार की भारत सरकार की पूरी लापा की रज के लानता पाइया ये उस बंदे ने पाइया है जिसकी पत्नी उस सरकार दे विच वड्डे अहुदे ते ने खजाना मंत्री वित्त मंत्री इंग्लिश कही तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उसका पति उस ही सरकार तो खुश नहीं है उन्होंने साफ साफ कहा है कि रैलियां के दौरान जिन्हें भी कोविड मरीजों की डैथ हुई है जिन्हें भी मौत हुई है उसकी जिम्मेवार सिर्फ तो सिर्फ भारत सरकार है हाई कोर्ट ने इतों तक कह दिता है कि ये जी मौत हुई है ये सरकार के उपर कतल का मुकदमा चलना चाहिए इलैक्शन कमीशन से भी वाढ़ू सवाल इकट्ठे हुए ने परकला प्रभाकर ने कहा कि हस्पतालों के बैड नहीं है मरीजों की ऑक्सीजन नहीं है खाने को दवाइयाँ नहीं है रहने को प्रबंध नहीं है लॉकडाउन उपरों लगा रहे हैं लोगों को पैसा नहीं है कितने जाएंगे लोग की प्रबंध है सरकार दे क्यों एक हंकारी प्रधानमंत्री लोगों को मरदा देख रहा है वो अपने सारे शौक पूरे कर रहा है उन्होंने कहा कि जिहड़ा बंदा दो दो लख दे इकट्ठ विच बिना मास्क तो रैलियां कर रहा है शाम नूं उही बंदा वर्चुअल मीटिंग दे विच मास्क पा के बैठा है ये ड्रामा किन्नी देर चलेगा जदों तक सारे मरीज दम ना तोड़ देन भारत सरकार की अपनी पार्टी वाली सरकार उत्तर प्रदेश दे विच भी फेल साबित हो रही है एक पासे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि साडे प्रदेश विच तां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हस्पतालों में बैड भी अवेलेबल ने पर उस दिन जिस दिन वो बयान दिंदा है उस दिन सब तो वध मौतां उस दे राज विच हुंदियां ने लोगों का कहना है कि अपने एसी वाले कमरे तो बाहर आओ सड़कों पर आके देखो हस्पतालों के बाहर आके देखो लोग किद्दां तड़फ रहे ने किद्दां अपनी जान नूं रो रहे ने पर मंत्रियों का कहना है कि सब कुछ ठीक है इतों तक कि उत्तर प्रदेश के अपने मंत्री अपने MLA करोना करके हस्पतालों में बैड ना मिलन करके जान दे चुके ने पर फिर भी सरकार उदा ही चल रही हैं सब कुछ चली जा रहा है बस पिस रहे थे एक आम आदमी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था उन्हें भारत सरकार ने कहा कि असी तुहानू वित्तीय मदद करते हैं तुसी अपने लोग बचा लो पर उत्थे ही साडे प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे को सब कुछ है साडी प्रणाली सब तो वधिया है सानू कुछ नहीं चाहिए तो उन्होंने वह मदद लैन तो ना कर दी फिर भी दरिया दिली दिखाते हुए उस संस्था ने कहा
कि तुसी जदों चाहो सानू कह सकते हो, असी मदद भेजन नू तैयार हाँ। एक साल जबकि सब नू पता सी कि अगले साल इसकी एक होर स्ट्रेन आ रही है या फिर पिछले साल ही स्ट्रेन आ गई सी, तो उहदे वास्ते असी की तैयारी की? असी सिर्फ बैठे रहे, कुछ नहीं किया। सरकारां ने ना हस्पताल बनाए, ना बैड की संख्या वधाई, तो ना ऑक्सीजन प्लांट लगाए। एक पासे तो साडा भारत करोना महामारी नाल दबदा जा रहा है, उत्थे ही साडी सरकार नू दिल्ली दे विच एक विस्ता नगर वसाण की चाह उठी है। जी हाँ, तुसीं सुनिया होगा कि नवा संसद भवन तैयार हो रहा है, नवा नगर तैयार हो रहा, मंत्रियों का ऑफिस तैयार हो रहा, मंत्रियों का घर तैयार हो रहा। किन्ने हज़ार करोड़ का वह प्रोजैक्ट है जिहदे विच शायद किन्ने हस्पताल, किन्ने मरीजों को वित्तीय मदद, तो किन्ने होर सेहत प्रबंध हो सकते सी, पर नहीं। साडा इस टाइम विस्ता नगर वसाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि असी रहना है ना, साडी सरकार है। गल कर लैंदे आ पंजाब की, जिथे कैप्टन सरकार लॉकडाउन लगा रही है या लॉकडाउन दे रोज़ आए दिन नवीं गाइडलाइन जारी कर रही है, उत्थे ही दुकाना ते व्यापारी सड़कां ते आ गए ने। उन्होंने इत्थों तक कह दिता है कि जे सरकार साडियां दुकाना बंद कराएगी तो असी जबरदस्ती खोलांगे, जो होंदा देखा जाएगा। ये रोज़ प्रदर्शन दिनों दिन वधदा जा रहा है, तो उत्थे ही पंजाब पुलिस का रवैया बड़ा ही खौफनाक तरीके नाल सामने आ रहा है, जिथे वह वड्डे वड्डे रेस्टोरेंटां नूं कुछ नहीं कहिंदे पर फड़दे ने एक आम गरीब सब्जियां वाले नूं। आए दिन किसी की सब्जी ते लत मार दित्ती, या फिर किसी का सब्जी तोलन वाला भांडा चक के लै गए, या फिर सड़कां ते खिलार देना। दसो, उन्हां दे बच्चे सब्जियां नहीं खांदे होणगे, या उन्हां नूं उस गरीब ते तरस नहीं आंदा होएगा जिहड़ा गरीब लॉकडाउन दे विच मसा ही 100, 200, 250 कमा लैंदा होएगा, तो शाम नूं तुसीं जो 10,000 का चलान कर दोगे तो वह तो मरना पसंद करेगा ना। सरकार का कहना है कि असी हर गरीब नूं राशन भेज रहे हैं, किट्टा भेज रहे हैं, पर उत्थे ही गरीबां का कहना है कि सानूं तां कुछ नहीं मिलिया, असी तां अज भी मर रहे हैं, सरकारां दी नीतियां तो कल भी मरांगे। देखते हैं सरकार आने वाले दिन दे विच किहड़े फैसले लैंदी है जो जनता दीआं सुख सहूलतां नूं पूरा कर सकन, ते उन्हां नूं कमाण वास्ते, उन्हां नूं खाण वास्ते कुछ अनाज, कुछ सहूलतां, कुछ किराए माफ, कुछ स्कूल दीआं फीसां माफ, कुछ बिजली दे बिल माफ, या इहो जी किहड़ी नीति अपनांदी है जिहदे नाल जनता थोड़ी सौखी जिंदगी कट सके। मैनूं नहीं पता साडा देश किधर नूं जा रहा, मैनूं नहीं पता इसदा भविख की होवेगा। मैं सिर्फ एक करोना मरीजों की या रोज़ ढेर लगते लाशों की गल नहीं कर रहा, मैं इकोनमी की भी गल कर रहा, मैं अर्थव्यवस्था की भी गल कर रहा। आप मूर्तियां बना लें 3,000-3,000 करोड़ दया, पर आप 100-200 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए। आप मूर्तियां बना लें इन व्डियां, पर आप चंगे हस्पताल नहीं बना पाए, चंगे आप प्रबंध नहीं कर पाए। ये सानू मनना पएगा, चाहे वह किसान अंदोलन है। इन्ने महीने हो गए मीह, नेरी, ठंड, गर्मी, झक्खड़, किसान उत्थे ही बैठे ने। सिर्फ एक मंग है कि साडे कानून सानू नहीं चाहिए वापस ले लो, सानू साडा फायदा नहीं चाहिए वापस ले लो, पर सरकार कहती है कि नहीं, ताडा फायदा है, तुहानू असी देना है, तुसी लो, जे तुसी नहीं लोगे असी थोपांगे। मरदे मरन दो, जिन्हें मर्जी शहीद होंदे किसान होन दो, 300-400 कोई फर्क नहीं पैंदा, पर असी फायदा देना है, तुसी लो। तो देखो ये किन्नी देर तक चल रहा है, हर पासे व्यवस्था प्रणाली बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है, साडा सिस्टम पूरी तरह क्लैश हो चुका है। सानू नहीं पता कि ये सरकारां हुण कोई चंगी नीति लियाणगियां कि नहीं, हुण तां सिर्फ रब अगे अरदास है कि रब्बा मेरे देश दे लोकां नूं एक चंगी जिंदगी दे, तंदुरुस्त जीवन दे, तां जो असी अपने तरीके नाल ही इस देश नूं तरक्की दी राह वल लैके जाइए। मैं बाकी मंत्रियों के वांग सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करांगा, मैं शर्मिंदा कि मैनू इस देश दे विच रह के इहो जिहियां गल्लां करनियां पै रहियां ने। देखो कदों मेहर पैंदी है सरकारां दे दिल दे विच, असी तां बस आस ही कर सकते हैं। उम्मीद है कि तुसी भी चंगे भले होवोगे, अपना ध्यान रखो,
ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ 51 ਟੀਵੀ ਐਪ ਫ੍ਰੀ ਔਨ ਰੋਕੂ ਟਿਕਰੀ ਟੀਵੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ iOS ਲਾਈਕ ਫੋਲੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਅਵਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।